सुहलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। तो गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में, जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल की। तो आपको पता होगा कि काफी टाइम से आपने चैनल पे जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल की भाई जो है ना थोड़ी सी पुरानी वीडियोज आ रही थी, क्योंकि वो सारी प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी। इसलिए जो है ना भाई, बीच में मैंने काफी ज्यादा इवेंट्स भी यहाँ पे मिस कर दी, और मेरे को नहीं लग रहा कि क्लैश ऑफ टाइटन जो है ना यहाँ पे हम कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी गाइज, अपन जो है ना यहाँ पे पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि आज से आने वाले जो सारे के सारे इवेंट होंगे ना, वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर पाए। और काफी ज्यादा बंदे मेरे को बोल रहे थे कि भाई वीआईपी ले लो, तो इस महीने अपन वीआईपी स्किप कर रहे हैं। लगभग 15-20 दिन के बाद जो है ना भाई, हम लोग यहाँ पे जो है ना भाई अपना वीआईपी जो है ना वापस से ले लेंगे गाइस, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का अभी यार। यहाँ पे भाई लगभग 4-5 दिन मैंने कोई भी जुरासिक वर्ल्ड की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने इवेंट कोई कंप्लीट नहीं करे, लेकिन मैंने जो भी मेरे लेजेंडरी सुपर रेयर सारे के सारे जो डायनोस थे ना, वो मैंने यहाँ पे हैच करके रख दिया। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो, देख रहे हो, मेरे पास रेयर छोड़ के एक भी कोई भी डायनो है नहीं भाई। सारे सुपर रेयर लेजेंडरी सारे डायनोस को मैंने हैच कर दिया। प्लस गाइज यहाँ पे टेडन टेडन किधर रहे, कहाँ पे चला गया बे? ओके, इसको तो अपन ने, हाँ इसको भी अपन को 20 लेवल का करना था ना। रुक जाओ, इसको भी जो ना फटाक से मैं 20 लेवल का कर लेता हूँ। इसको भी जो ना मैंने इवोल्व कर दिया भाई हमारे जायंट ऑर्थोकोन को भाई, ठीक है। तो आज जो है ना मैंने इतने 4-5 दिन जो है ना ऑफलाइन में क्या क्या करा वो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इवेंट कौन कौन से है ना वो चेक आउट कर लेते हैं। तो ये रहा गाइस हमारा जायंट ऑर्थोकोन, इसको जो है ना भाई हम यहाँ पे फटाक से कर देंगे गाइस 20 लेवल का। 20 लेवल का होने के बाद भाई, हेलो, 2000 हेल्थ, और भाई डैमेज तो देखो भाई, ये तो बैटल में तबाही मचा डालेगा। लेकिन गाइस आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस 60,000 जल्दी से कंप्लीट कर देना मेरे भाई लोग। तो चले गाइस यहाँ पे जो है ना भाई पहले ट्रेड कर लेते, क्योंकि ट्रेड से क्या होगा अपन को फोकट में भाई 40 ग्रीन मनी मिलेगा ना मेरे बाची। अच्छा रुक जाओ, ग्रीन मनी कुछ मिल रहा है क्या? नहीं भाई, मेरे को लगा कोई अच्छा सा कुछ भाई ऑफर होगा, लेकिन नहीं। ओ ये क्या है, पैरानोटो, कोई तो नया डायनो है, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रीन मनी मेरे पास है ही नहीं भाई, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जॉइंट ऑर्थोकोन को तो कर दिया भाई, उसके बाद एक और डायनो था जिसको मैं मैक्स लेवल का करा था भाई, कहाँ पे चला गया वो? कहाँ पे चला गया, ये रहा क्या? ओ ये मेरे बाजी, ओ भाई इसका लुक मैंने जो ना भाई ऑफलाइन में भी देखा नहीं था, इसको कलेक्ट करके छोड़ा था कहीं देखू तो भाई, मैक्स लेवल का हमारा प्रोगेंथोडॉन भाई, ठीक है भाई। क्या ओपी लग रहा है भाई ये डायनो, सच में भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है इसका। वेट अ मिनट, इसका एक हाइब्रिड भी है। अच्छा वैसे हाइब्रिड तो होगा ही ना, इसका सुपर हाइब्रिड नहीं होगा, मैं भी हाइब्रिड भी काफी ओपी है, लेकिन हाइब्रिड वाली मछली शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ये भी काफी ज्यादा ओपी लग रहा है गाइस, ठीक है। इसका लुक तो देखो भाई, रुक जाओ रुक जाओ, इसको भाई शार्क खिलाते हैं भाई, ठीक है, डायरेक्टली इसको शार्क खिलाते और देखते इसको जो है ना भाई इसके बाइट अटैक करते हुए, तो इसका लुक भाई ओई होई, स्टन कर दिया पहले शार्क को, उसके बाद खा गया भाई साहब। गाइस काफी ज्यादा कुल लग रहा है यार, काफी ज्यादा कुल लग रहा है हमारा खतरनाक सा डायनो। चलो भाई लोग अभी इसको जो ना भाई फटाक से अपन 40 लेवल का कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसका हाइब्रिड बनाने के लिए अपन के पास जो मछली है ना वो नहीं है, 10 लेवल की आई थिंक मछली है मेरे पास, हाँ मेरे पास 10 लेवल की है गाइस, ठीक है। ये मछली तो है लेकिन मेरे पास 10 ही लेवल की है, इसको हाइब्रिड बाद में कर लेंगे गाइस, ठीक है। लुक देखो, लिख देखा खतरनाक ना, आ जाओ भाई अभी और बहुत कुछ करा है अपन ने, और भी बहुत सारे जो डायनोज है ना भाई मैंने वो यहाँ पे इवोल्व कर दिए। ये देखो स्पाइनोरैप्टर मैंने 30 लेवल का करने के लिए भी यहाँ पे डाल दिया, वो अलग बात है कि उस 30 लेवल का हुआ नहीं है। उसके बाद जो है ना आई थिंक मैंने सिनोजोनी को ले डायनो भी थोड़े से यहाँ पे लेवल अप इवोल्व कर दिए थे गाइस, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये डाला था भाई जो हमारा भाई शार्क, ये शार्क ही होती है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं भाई, ठीक है छोड़ दो। अभी आई थिंक मैंने जो है ना भाई यहाँ पे एक लायन उसके, इसको भाई 10 लेवल का करने, तो रुक जाओ, मैंने भाई यहाँ पे भी जो है ना भाई किसी ना किसी को तो इवोल्व करा था, मैं भूल गया एक्चुअली में कि किसको इवॉल्व करा था, लेकिन मैंने यहाँ पे भी जो है ना भाई आई थिंक लायन को करा था क्या वो। ये सारे के सारे जो अपने डायनो थे ना भाई इनको मैंने हैच करके रख दिया भाई, ठीक है। रुक जाओ, इन सबको जो ना 10 लेवल का करने का काम कर लेता मैं फटाफट भाई, ठीक है। ये देखो इनको तरफ देखा भी नहीं है भाई मैंने, भाई मैंने देखा भी नहीं। इसको अपन 30 लेवल का कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई, ठीक है। इसको 30 लेवल का कर देंगे बाद में आई थिंक, हाँ भाई लायन जो है ना भाई ये देख रहे हो, ये जो लैम सर्जी है ना भाई इसके दो दो कार्ड जो है ना मैंने यहाँ पे हैच करके रखे थे भाई, दो दो अंडे भाई, ठीक है। अभी मैं इसको जो है ना भाई 30 लेवल का कर सकता हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा ओपी है भाई, इसका डैमेज जो होता है ना काफ़ी खतरनाक होता है भाई, ठीक है। और आई थिंक सल्लू भाई की रन भाई, ठीक है आ जाओ भाई।
भाई सारे के सारे कार्ड मैंने यहाँ पे हैज कर दिया भाई, ठीक है, डन हो गया काम 25 भाई, ठीक है। चलो अभी जो ना गाइस यहाँ पे हमारे जितने भी डायनोज को भाई इवॉल्व इवॉल्व करना था, हाइब्रिड विब्रिड करना था भाई, अपन ने कर दिया है। एंड अभी हम जाने वाले इवेंट, अबे यार लेकिन वन डे ही बचा है भाई, मैं वो पिछला वाला शेखदार्थ भी नहीं कर पाया। इसमें कौन सा मिलेगा भाई, ये मार्शल लैन है क्या, स्मिल्टॉन भाई ये तो मेरे पास है ना, ये तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, इसका डीएनए भी अनलॉक नहीं होगा। रेन दो भाई, इवेंट बताओ कौन से है भाई, क्योंकि मेरे को क्लैश ऑफ टाइटन अनलॉक करना है, क्योंकि क्लैश ऑफ टाइटन में एकदम ओपी वाला डायनो मिल रहा है गाइस, ठीक है। ओके रुक जाओ, अभी जो ना भाई क्लैश ऑफ टाइटन के लिए मेरे को पार्टी नंबर करना पड़ेगा और ये वाला भी करना पड़ेगा, जिसमें मेरे हिसाब से अभी और घास फूस वाले डायनो उतारो बोल रहे हो, वो भी सुपर पावर के साथ, बावड़े हो गए हो क्या, मिनिमम वन वॉर्ड भाई ये भाई आगे जाके स्कैम कर देंगे भाई, ठीक है। हम जो है ना पार्टी रंबल में फाइट लेते हैं गाइस, ठीक है रुक जाओ, हम जो है ना डायरेक्टली पार्टी रंबल में फाइट ले लेते हैं भाई। एंड पार्टी रंबल में हम उतारेंगे इसको, एंड इसको डाउन करने के लिए मेरे को एकदम ओपी वाला वाटर वाला डायनो चाहिए भाई। अब यार वाटर वाला ओपी वाला डायनो है ही नहीं भाई, इसको उतार देते ठीक है। चलो लेट्स सी क्या होता है भाई, ठीक है। प्रॉब्लम तो हो सकती है लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आ जाओ भाई, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ कर लेंगे। और भाई इन्होंने ऐसा लोगो भी को चेंज कर दिया भाई, मैं काफ़ी टाइम बाद आके देखा तो भाई बुलडोज़र ऐसे लोगो भी को चेंज करके रखा था, मैं बोला भाई सही है भाई, अभी खतरनाक करा भाई काम, ठीक है। ये ग्राफिक भी चेंज करी क्या थोड़ी सी, मेरे को ग्राफिक थोड़ी सी अलग सी क्यों लग रही है, इन्होंने आई थिंक ग्राफिक भी चेंज करी ऐसा लग रहा है मेरे को। एक अटैक देगा मेरे को ये बिल्कुल भाई पक्का पता था कि ये डायनो स्वाइप करके एक अटैक देगा, मतलब देगा, इसलिए जो है ना भाई मैंने ऐसा डायनो चूज करा जिसका जो है ना भाई हेल्थ इसके एक अटैक से ज़्यादा हो भाई, ठीक है। ले बेटे तेरी तो मौत मेरे हाथों ही लिखी है, वैसे ये दो अटैक देगा, शायद दे भी सकता है डायनो स्वाइप के बाद। ओके 300 हेल्थ डैमेज है इसका, उसके पास एक शील्ड होगा भी, मैं डाउन कर सकता हूँ ना भाई, एक शील्ड होगा तो मैं डाउन नहीं कर पाऊंगा यार, दिक्कत हो जाएगी भाई। देखते चलो, नाइस, ओके ये अनएक्सपेक्टेड था गाइज, ठीक है ये अनएक्सपेक्टेड था कि अपना ये खतरनाक से वैल्यू से रैप्टर उसको डाउन करेगा। वैसे ये डालने के लिए ओल्ड में भी डाल सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि एक अटैक के बाद इसके पास दो पॉइंट बचते हैं, तो दो पॉइंट अगर इसने शील्ड में डाले तो अच्छी बात है, अगर शील्ड में नहीं डाले और होल्ड में डाले ठंडन गोपाल फिर तुम्हारे भाई के लग जाएंगे, इसलिए दो शील्ड दो होल्ड भाई, ठीक है, अच्छी बात है इसने भाई शील्ड में डाल दिया यहाँ पे भाई, ठीक है। अब इसके बाद चार अटैक्स आ चुके हैं, चार अटैक में ये सुपरनो टाइटन क्या करेगा, चार में से एक अटैक दे दिया और तीन शील्ड शायद, पता नहीं बोल नहीं सकते, देख लेते चलो, तीन शील्ड नहीं डालेगा। ओ यस, ओके गाइस, तो हम जो है ना भाई एक बैटल तो यहाँ पे जीत चुके, एंड वो एक बैटल जीतने के लगभग भाई 5-6 घंटे बाद जो है ना मैं वापस से गेम पे आ चुका हूँ अगली वाली बैटल लेने के लिए भाई, ठीक है। इसे बोलते हैं स्वैग, ठीक है, आ जाओ रुक जाओ। सबसे पहले जो ना भाई ये कॉइन्स बिन जो है ना भाई वो सारे के सारे मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, ले बेचे, एंड उसके बाद यहाँ पे भाई फैक्ट्री में जो है ना थोड़ा सा कॉइन डाल के, ओके ठीक है, काम अपना हो चुका है। एंड अभी जो है ना भाई मेरे हिसाब से 30 लेवल का जो है ना हमारा स्पाइनो रैप्टर हो चुका होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है भाई, ठीक है रुक जाओ, पहले उसको देख लेते हैं, एंड उसके बाद जो है ना भाई आगे की जो हमारी बैटल है यहाँ पे कौन सा इवेंट था भाई, मैं नाम ही भूल गया भाई, पार्टी रंबल में वो कर लेते हैं। एक्चुअली मैं शायद 10 घंटे बाद आया हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे 10 घंटे बचे हुए, पहले 20 घंटे बचे थे भाई, ठीक है। अब यार यहाँ पे डालने के लिए एक भी डायनो नहीं है यार, किसी ना किसी को तो डालना पड़ेगा, तो एक काम कर लेता हूँ इसको डाल देता भाई, ठीक है 3 घंटे में हो जाएगा। एंड मेरे सबसे स्पाइनो रैप्टर रेडी है, और ये बॉयस की अखिया देख रहे हो, स्पाइनो रैप्टर स्टिल रेडी नहीं हुआ है भाई, ठीक है चलो कोई ना, तू हो गया क्या, ये भी रेडी नहीं हुआ है, ओके भाई ये बॉल हो रहे क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, ठीक है चलो आ जाओ इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड अभी चलते वापस यहाँ पे पार्टी रंबल में एक और बैटल लेने के लिए, हाँ इस बार थोड़ी सी अच्छी बैटल आई है, ओके इस बार जो है ना भाई ओके ठीक है मैं इसको उतार सकता हूँ। अबे यार इसको दो फटकों में पाई पेलम पाल दे देगा वो स्टेगोसिरो टॉप्स भाई, ठीक है। एंड या फिर फ्लायर के अगेंस्ट हम इसको उतार सकते हैं भाई, ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगा फ्लायर के अगेंस्ट, ठीक है चलो आ जाओ देख लेते क्या होता है। अगर हो सका ना तो भाई अपन अपने जो ये वेलोसी रैप्टर है ना इसको बेड बना लेंगे गाइस, ठीक है और कोई चारा नहीं है मेरे पास, तो एक भाई डाल देंगे हम गोल्ड में, एंड स्टेगोसिरो टॉप्स एकदम फुल टू जोश में आ चुका है भाई, दो अटैक है, अरे 181 का डैमेज है, मैं लगभग इसके 3 अटैक तो झेल सकता हूँ, लेकिन इसने डायनो स्वाइप कर दिया है भाई, ठीक है 400 का डैमेज, इसने अटैक नहीं करा, ठीक है भाई चलो हम जो है ना हम भी डायनो स्वाइप करेंगे भाई, हमारा खतरनाक सा एंक्लोड होगा सर, दो होल्ड में डाल दूंगा, उसने शील्ड में डाला एक, ओके ठीक है अच्छी बात है, मतलब इस पास लगभग 2 ही अटैक है, और ये आई थिंक वापस से डायनो स्वाइप करेगा, एंड इसके पास बचेगा सिर्फ एक अटैक, ओके देखते चलो अभी ये क्या करता है।
अभी आई थिंक मेरे को डायनो स्वाइप करना चाहिए भाई, ठीक है। एंड 300 का डैमेज है ना, मेरे को 4 के 4 अटैक देने चाहिए शायद भाई, ठीक है देख लेते। चलो इसने होल्ड में डालता काफ़ी बढ़िया, इसका स्टेटस रोटॉप थ्रू डाउन हो चुका है। अभी जो फ्लायर है ना, इसको मेरे को डाउन करने के लिए 2 अटैक देने पड़ेंगे, इसके पास टोटल 4 अटैक्स है। और आई थिंक ये 2 पॉइंट होल्ड में डालेगा, पता नहीं देखते चलो। इसका डैमेज कितना इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं शील्ड में डालूंगा कि नहीं भाई। 200 का डैमेज है, 2 अगर डाले 4 अटैक्स दिक्कत हो जाएगी। 2 अगर इसने डाल दिए होल्ड में तो भाई 3 शील्ड में डालता। ओ भाई इसने 2 सच में होल्ड में डाल दिए, मैंने 3 शील्ड में डाला है। एंड मेरे को नहीं लग रहा कि 3 बच जाएगा भाई, बच जाएगा, बड़े आराम से बच जाएगा। इसने गलती कर दी, इसको सारे के सारे अटैक देने चाहिए थे फिर तब मैं मर जाता, लेकिन अभी भाई मरने के कोई भी चांसेस नहीं है। अभी तुम्हारा भाई ये वाली बैटल जीत जाएगा बड़े आराम से। ले बैठे भाई एग्लोडोकस ने अभी ट्रॉफी गेंटर्स का जो भाई हाइब्रिड था उसको यहाँ पे मस्त दबे की पेलम पाल दे दिया है। और सेकंड बैटल पार्टी रंबल वाली वो भी हम यहाँ पे जीत चुके हैं भाई, ठीक है। रिवॉर्ड में बस थोड़ा सा डीएनए मिलता है और कुछ नहीं मिलता भाई, ठीक है। 45 डीएनए मिल गया हमको, 2 बैटल जीत चुके हैं। एंड अभी तक स्टिल 2 बैटल और लेनी बाकी है गाइस यहाँ पे, तो आज अब एक और बैटल ले लेते हैं। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, एक इवेंट कंप्लीट करने के लिए मेरे को मेरे सुपर हाइब्रिड उतारने पड़ेंगे क्या? उसके पास भी तो अपना सुपर हाइब्रिड है। अभी यार मैं अभी क्या करूँ, मेरे पास और कोई बचता ही नहीं जा रहा भाई। जनरेशन 2 वाला वेलोसिराप्टर लेकिन उसका भाई काफ़ी ज़्यादा कमी है, ठीक है आ जा भाई, इसको उतार देता हूँ मैं। एंड उसके बाद उसको डाउन करने के लिए मैं इसको कैप्रो को उतारूंगा। एंड फाइनल वाले डायनो को डाउन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, इसी को उतार देता है। एंक्लोसॉरस को उतारता, 40 लेवल का एंक्लो भाई, ठीक है आ जाओ चलो देख लेते। चलो ये वाली बैटल जो है ना भाई हम जीत पाते कि नहीं, वैसे जीत जाएंगे क्योंकि मैं खतरनाक सा भाई सुपर हाइब्रिड उतार रहा है। और सुपर हाइब्रिड के सामने जो है ना इसका सेकंड डायनो जो है ना वो कौन है, स्पाइनोरैप्टर, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। 890 का डैमेज है बस इसका भाई, ठीक है ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ वो अलग बात है, अगर होल्ड में डाला होगा अभी तो भाई बहुत कुछ कर पाएगा। वो होल्ड में डाला था बंदाई ने, ओके ठीक है। अगर चाहे तो अब ये मेरे को डाउन कर सकता है, डायरेक्टली मार सकता है भाई, लेकिन इसने अटैक नहीं करा जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। अभी हम डाल देंगे मस्त बिगी यहाँ पे कैपरो को हमारे, एंड उसके बाद 4 होल्ड में डाल के 1 शील्ड में डाल दूंगा भाई, ठीक है। वो ये होल्ड डाले जा रहा है भाई स्पाइनोरैप्टर, 6 अटैक्स आ चुके हैं स्पाइनोरैप्टर के पास। इसने डायनो स्वाइप कर दिया मतलब इसके पास 5 अटैक्स है भाई, ठीक है ओके। इसने अटैक नहीं करा जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। अभी मैं डायनो स्वाइप करूंगा, उसके बाद 4 डाल दूंगा होल्ड में और 3 डाल दूंगा शील्ड में भाई। इसने कितने शील्ड में डाले, 1 ही शील्ड में डाले, 8 अटैक्स आ जाएंगे क्या इसके पास? ओ भाई भाई इतना अच्छा तो कोई बंदा भी नहीं खेलता, इतना अच्छा ये खेल रहा है। 8 में से 6 अटैक दे दिए और मेरा डायरेक्टली यहाँ पे गेम बच चुका है भाई, ठीक है कोई ना गाइस, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब 2 शील्ड है इसके पास एंड मैं इसको 4 अटैक में बड़े आराम से डाउन कर दूंगा भाई, ठीक है। 4 अटैक में डाउन हो जाएगा। अगले डायनो का डैमेज 300 का है तो उससे मेरे को डरने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं भाई, ठीक है हो गया गाइस लेट्स गो। मोड़ स्टेगोटॉप्स ने भाई उसके भाई स्टेगोसेरोटॉप्स को डाउन कर दिया है। उसके बाद इसके भाई ये कौन सा है भाई, ये खतरनाक सा हाइब्रिड है। लेवल 1 का होने के बावजूद उसका 2000 हेल्थ था, ये हेल्थ कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एल जो है ना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। ले बेटे 4 शील्ड में डाली है, ओके ऑल राइट 6 अटैक्स है, 4 शील्ड में डाली है, 4 होल्ड में डाले, देखते चलो ये क्या कर लेता है जैसे कि यहाँ पे। अबे यार ये तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट खेल रहा है रे, कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट खेल रहा है, ठीक है। ले बेटे भाई हमारे सामने होशियारी दिखाते हुए, ले बेटे 4 होल्ड में और 3 शील्ड में भाई, ठीक है चलो अरे अभी क्या करता है देखता हूँ मैं भाई। ये होल्ड डाले जा रहा है, 7 अटैक आ चुके हैं इसके पास वापस से। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो सकती है हमको, 7 के 7 अटैक दे के भाई सब इसने मेरे को डाउन तो कर दिया, लेकिन इसके पास अभी बिल्कुल भी कोई भी शील्ड नहीं बची है। और इसी का फायदा जो है ना भाई हमारा खतरनाक सा मोनस्ट्री को टॉप सूट आ गए, इसको बड़े आराम से यहाँ पे 3 अटैक में डाउन करेगा, 4 होल्ड में डाल के 1 शील्ड में डाल देगा अपन, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि अगला वाला डायनो जो है ना वो मेरे अगेंस्ट ज़्यादा डैमेज नहीं दे सकता गाइस, ठीक है भाई। 378 का ही डैमेज है इसका एंड 4 अटैक्स है इसके पास। अगर सारे के सारे अटैक भी डाल देता है तो भी ये मेरे को डाउन नहीं कर पाएगा। और मेरे पास अभी टोटल आ चुके 8 अटैक्स, और 8 अटैक में तो तुम्हारा भाई ये वाली बैटल जीत ही जाएगा बड़े आराम से। तो पार्टी रंबल की गाइस यहाँ पे हमने लगभग 3 बैटल जो है ना वो जीत लिए। कितना डैमेज देगा भाई, कितना डैमेज देगा, ओ पट से हेडशॉट, और यहाँ पे 14,000 का डैमेज और डायनो डाउन।
और उसी के साथ गाइस ये वाली बैटल भी हम जीत चुके हैं। हाँ, पार्टी रंबल वाला इवेंट अभी अपन कंप्लीट नहीं करेंगे गाइस, पार्टी रंबल वाला जो इवेंट है हम कंप्लीट करेंगे अगले एपिसोड में। जो फाइनल बैटल बची है वो अगले एपिसोड में ले लेंगे। फिलहाल के लिए आज का एपिसोड जो यहीं पे खत्म करने का वक्त आ चुका है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल के। तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone.